मॉड्यूल ट्वेंटी वन पियर इन्फ्लुंस वेन वी टॉक अबाउट द पीयर इन्फ्लुएंस वी नीड टू बी सी दैट एट द एडोलिस टाइम पीरियड वट इज़ द मोस्ट नीड ऑफ द चाइल्ड इज़ और द एडोलसेंट इज़ इज़ बेसिकली टू हैविंग अ रिलेशनशिप विद देयर फ्रेंड्स और विद देयर पीयर्स ये वो टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर बच्चे सबसे ज़्यादा टाइम जो है वो अपने पीयर्स के साथ गुजारते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ गुजारते हैं यूजुअली ये टाइम पीरियड हाई स्कूल में स्टार्ट हो जाता है और ये चीज़ ग्लोबली होती है और हर कल्चर के अंदर एक ही तरह से एक्जबिट होती है और इसमें आम तौर पर यह कहा जाता है कि इस टाइम पीरियड में एडोलसन एज में या हाई स्कूल में बच्चे जो हैं वो शिफ्ट कर रहे होते हैं अपना रिलेशनशिप फ्रॉम द पेरेंट्स टू द पीयर्स जब वो ज़्यादा टाइम अपने पीयर्स के साथ गुजारेंगे और ज़्यादा वक़्त स्कूल में गुजारेंगे तो इट इज़ वेरी कॉमन दैट द चांसेस ऑफ गेटिंग इन्फ्लुएंस फ्रॉम देयर पीयर्स इज हायर अब ये डेवलपमेंट ऑफ़ पीयर इन्फ्लुएंस स्टार्ट कैसे होता है इफ़ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट वी नीड टू बी अंडरस्टैंड के जो एडोलसन्स होते हैं दे वॉन्ट टू बिल्ड अ रिलेशनशिप विद द सेम सेक्स जेंडर फॉर एग्ज़ाम्पल जो बॉयज़ होते हैं वो बॉयज़ के, के साथ रहना पसंद करते हैं और जो गर्ल्स होती हैं वो गर्ल्स के साथ रहना पसंद करती हैं और इस किस्म का जो इंटीमेट रिलेशनशिप जब इनका डेवलप होता है तो आमतौर पे ये क्लक्स डेवलप करते हैं जो क्लैक्स होते हैं वो यूजुअली कंसिस्ट करते हैं फ़ाइव टू एट मेंबर्स के ऊपर विद द सेम सेक्स जेंडर अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो इनका इंटीमेट रिलेशनशिप होता है Uh, ये बेसिकली सिर्फ सेम सेक्स के ऊपर ही रहता है ये ऑपोजिट जेंडर के साथ भी मर्ज होता है और मिक्स जेंडर क्लिक्स जो हैं वो भी डेवलप होते हैं बट दैट वुड डेवलप लेटर ऑन जब शुरू में ये क्लिक्स डेवलप होते हैं तो ये बेसिकली डेवलप होते हैं किस तरह के कि जो आपके इंटरेस्ट हैं वो सेम हो आपका फैमिली बैकग्राउंड सेम हो आपके uh, जो मोर लेस एक्टिविटीज़ हैं वो सेम हो उनकी बेसिस के ऊपर लोग आ, बच्चे जो हैं वो यूजुअली क्लिक्स डेवलप करते हैं स्कूल्स के अंदर आफ्टर वर्ड्स जो टीन एजर्स होते हैं जो हाई स्कूल्स के अंदर बच्चे होते हैं जो एडोलसनस एज में होते हैं दे रियली वांट टू गेट द सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू अ वन पर्टिकुलर ग्रुप जब उनके अंदर ये सेंस ऑफ बिलोंगिंग की नीड डिवेलप होती है तो उस वक्त आमतौर तौर पर देखा जाता है कि हाई स्कूल्स के अंदर क्राउड्स डिवेलप होना शुरू होते हैं क्राउड्स की जो मेंबरशिप होती है वो इस बेसिस के ऊपर होती है कि कोई कितना कॉम्पिटेंट है और डिफरेंट किस्म के जो स्टीडियो हैं उनकी बेसिस के ऊपर वो मेंबरशिप मिलती है और व्हाट डज दैट मीन इट बेसिकली मीन के कुछ क्राउड्स होते हैं जो कि ब्रेन ब्रेनस कहलाते हैं यानी वो ऐसे बच्चे उस ग्रुप के अंदर या उस क्राउड के अंदर मौजूद होते हैं जो बहुत ज़्यादा एकेडमिकली एक्सेल कर रहे होते हैं इसी तरह कुछ क्राउड्स होते हैं जो कि जोकर्स कहलाते हैं उसमें आमतौर पे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि एथलीट बहुत अच्छे होते हैं इसी तरह कुछ ग्रुप्स होते हैं जो पॉपुलर्स कहलाते हैं और इसमें आमतौर पे वो स्टूडेंट्स होते हैं या वो अडॉलसनस होते हैं जो कि डिफरेंट एक्टिविटीज़ के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं और इन डिफरेंट किस्म के क्राउड्स के साथ जो स्टूडेंट्स होते हैं या एडॉलसनस होते हैं वो मेंबरशिप uh, गेन करना चाहते हैं और उनके साथ खुद को आइडेंटिफाई करते हैं अब जिस वक्त वो आइडेंटिफाई करते हैं और एक ग्रुप का पार्ट बनते हैं तो डेफ़िनेटली उनके ऊपर पीयर प्रेशर भी आता है और पीयर प्रेशर को आप पीयर कन्फर्मिटी भी समझ सकते हैं पीयर कन्फॉर्मिटी का क्या मतलब होता है कि जो आपका ग्रुप कर रहा है जो आपके पीयर्स कर रहे हैं दे ऑल्सो इन्फ्लुएंस यू टू डू द सेम थिंग अब जो पीयर प्रेशर होता है आ uh, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है अगर तो आपके जो पीयर्स हैं वो ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल दे आर एक्सेलिंग इन द एकेडमिया दे आर ट्राइंग टू हेल्प पीपल दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू वर्ड्स द कम्यूनिटी तो ये वो प्रेशर्स हैं जो कि आपके पियर्स कर रहे हैं एंड यू आर ऑल्सो डूइंग और यू ऑल्सो वॉन्ट टू डू दिस थिंग्स सो दिस इज़ द पॉजिटिव इन्फ्लुंस बट पीयर इन्फ्लुएंस जो होता है वो नेगेटिव भी हो सकता है वो कैसे कि अगर आपके जो पेयर्स हैं वो ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं तो यू कैन ऑल्सो फील प्रेशर आइदर रियल और इमेजिनेटिव टू डू द सेम थिंग अगर वो बहुत ज़्यादा ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं तो दैट कैन ऑल्सो बी द नेगेटिव इन्फ्लुएंस कि आप भी वैसा करना शुरू कर दें ठीक है इसी तरह जो और डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ हैं फॉर एग्ज़ाम्पल डिफ़रेंट किस्म की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं किसी की प्रॉपर्टी को हर्ट कर देना कुछ इस किस्म के काम करना जो कि सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है और जो एक्डीमिया में भी एक्सेप्टेबल नहीं है और आपके पेरेंट्स भी जिनको एक्सेप्ट नहीं करते यू विल स्टार्ट टू डू दो थिंग्स तो वो नगेटिव नेगेटिव इन्फ्लुन्स में आता है अब देर इज़ अ डिबेट इन द लेटरेचर के नेगेटिव इन्फ्लुएंस जो है फ्यू पीपल सेट कि जब अर्ली एडोलसेंस होता है यानी मिडल जो चाइल्डहुड होता है जब वो ओवर हो रहा होता है उस वक्त लोग नेगेटिव इन्फ्लुएंस ज़्यादा लेते हैं और जैसे जैसे वो लेटर एडोलसन स्टेजेस में जाते हैं उनके ऊपर पीयर इन्फ्लुएंस होना जो है और नेगेटिव पीयर इन्फ्लुएंस होना जो है वो ख़त्म हो जाता है हाउ एवर फ्यू अदर रिसर्च सेट रिवर्सली वो कहती हैं कि बच्चे जो हैं वो uh, जो जब जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वो नेगेटिव इन्फ्लुएंस लेना ख़त्म कर देते हैं ठीक है तो देर इज़ अ डिबेट इन द लिटरेचर सो वी कैन नॉट मेक श्योर कि हाउ थिंग्स विल वर्क इन दिस टाइम पीरियड इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर देयर सो कुछ एजेस uh, में ऐसा हो सकता है या कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि कुछ बच्चे जो हैं वो अर्ली एज के अंदर इन्फ्लुएंस ना लें लेटर में लें और कुछ जो है वो लेटर में लें और अर्ली में ना लें थैंक यू